जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और कुंभ राशि के राशिफल में चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वालों को चंद्रमा के गोचर के, जो कि वो आपके प्रथम भाव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, उसके क्या परिणाम मिलेंगे इस बारे में चर्चा करेंगे और ये एक योग बनाएंगे जिसे बोलते हैं गज केसरी योग। तो गज केसरी योग बनेगा जो कि काफी शुभ योग माना जाता है। ये गोचर में बनेगा कुंभ राशि वालों की कुंडली में। ये गज केसरी योग जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये शुभ योग बनता है उसको जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं और ऐसा जातक विभिन्न क्षेत्रों में नाम और लोकप्रियता प्राप्त करता है। साथ ही साथ धन के मामले में भी ऐसे लोग काफी अच्छे रहते हैं, कभी परेशान नहीं रहते हैं। और जन्म कुंडली में गज केसरी योग जब बनता है, जब गुरु और चंद्रमा की युति होती है, यानी जब बृहस्पति और चंद्रमा आपस में संबंध बनाते हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। ये एक ऐसा योग है जो चंद्रमा और गुरु से बनता है। तो गुरु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना गया है, देवताओं का गुरु भी इन्हें माना जाता है और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। तो जब गज केसरी योग बनता है और कुंभ राशि वालों के प्रथम भाव में बनेगा तो आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन कई बार इस योग के उतने शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाते। इसका कारण आपके कुंडली में किसी ग्रह की खराब स्थिति या फिर चंद्रमा बृहस्पति के कमजोर होने से भी ऐसा होता है। तो चलिए मित्रों, राशिफल जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का क्या राशिफल रहेगा जब ये गज केसरी योग बनेगा 6 जनवरी को। तो कुंभ राशि वालों के 6 जनवरी के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। आज के दिन आप मानसिक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे और चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में है और प्रथम भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि में ही गुरु का गोचर भी है। और गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, नवम दृष्टि नवम भाव पर है और चंद्रमा की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। तो गुरु और चंद्रमा की जो संयुक्त दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर दृष्टि है तो सप्तम भाव विवाह का भाव है, शादी का भाव है। व्यापार कारोबार भी देखते हैं सप्तम भाव से, व्यापारिक पार्टनर को भी देखते हैं सप्तम भाव से। तो आपको व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे और व्यापार कारोबार में ज़्यादा सफलता भी मिल सकती है। आपके पत्नी के साथ यानी आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है तो उससे आज के दिन आपको लाभ होगा। योग जो बनेगा इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी गुरु की और वो चंद्रमा के साथ में है तो आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, शिक्षा में भी सफलता मिलेगी और प्रेमी प्रेमिका के साथ आप समय भी बिता सकते हैं, चाहे वो फोन पर सोशल मीडिया के थ्रू या मिलकर भी बिता सकते हैं और कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कहीं मिलने का प्लान बन सकता है। शिक्षा में भी आपका मन लगेगा, मन में एकाग्रता रहेगी और शिक्षा में आप अच्छे परिणाम पाएंगे आज के दिन और शिक्षा में भी सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। संतान भी आज के दिन आपकी तरक्की करेगी और संतान से भी आपको लाभ मिल सकता है या संतान को लाभ मिल सकता है। तो ऐसा कुछ योग बनेगा ये आपका। तो इसमें जो गज केसरी योग बनेगा तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं कुंभ राशि वालों को। तो पंचम भाव के परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे और सप्तम भाव पर भी दृष्टि रहेगी तो सप्तम भाव के परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो प्रेम संबंधों का भाव है, तो इन सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। और सप्तम भाव जो है शादी का भाव है, विवाह का भाव है और अगर आपका प्रेमी प्रेमिका कोई शादी विवाह करना चाहते हैं, यानी आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और प्रेम संबंधों को आप विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो आज के दिन यानी
इन दिनों में मतलब जब ये गजकेसरी योग बन रहा है तो आप इस समय पर अपने घर वालों से बात कर सकते हैं और आपकी बात बन सकती है। तो इस समय पर काफी अच्छे योग रहेंगे और काफी सफलता का दिन है। आज के दिन आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, सप्तम भाव के परिणाम तो अच्छे मिलेंगे ही। अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहां आपके पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है, इस तरह के परिणाम तो मिलेंगे ही। और नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो नवम भाव पर दृष्टि जो रहेगी तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और अगर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। और अगर पिता के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी लोगों से यानी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और आज के दिन आप मानसिक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। मानसिक दृढ़ता के चलते मुश्किल फैसले भी आप आसानी से ले सकते हैं और आपके स्वभाव में नम्रता भी होगी, इसलिए सामाजिक स्तर पर भी आपको अच्छे फल आज के दिन प्राप्त हो सकते हैं। साझेदारी के कारोबार यानी व्यापारिक पार्टनरशिप में इस राशि के लोगों को यानी कुंभ राशि वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। आज के दिन भाग्य 90% तक आपके साथ रहेगा। बस आपको थोड़ा असत्य बोलने से बचना चाहिए और बाकी आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जीवन में आपको लोग पसंद करेंगे, मतलब यानी कि आज के दिन आपको सराहना मिलेगी। बहुत अच्छी स्थिति है, आपका सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक जीवन बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम में थोड़ी प्रेमी प्रेमिका से दूरी हो सकती है, लेकिन प्रेम फिर भी अच्छा रहेगा और व्यापारिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन आप तन मन से खुश और प्रफुल्लित रहेंगे। कार्य क्षेत्र पर दिन के शुरुआत में से लेकर और दोपहर तक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद संध्या के आसपास आपको आशा अनुकूल यानी आप जैसा सोच रहे हैं वैसे ही परिणाम आपको मिलेंगे और वैसी ही सफलता आपको मिल सकती है। किसी अच्छे कार्यक्रम में यानी शुभ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। आज का दिन व्यापार में छोटे छोटे बदलावों के साथ अधिक भागदौड़ वाला हो सकता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके सहकर्मियों में थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव बढ़ सकता है। विवाहित संबंध तो बहुत अच्छे रहेंगे ही, जीवन साथी के साथ आपकी आत्मीयता तो बनी रहेगी और भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। और आपके जो परिवार के लोग हैं, मित्रों के साथ आपकी मुलाकात अच्छी रहेगी और उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। आज आप कोई भी बड़ा निवेश भी कर सकते हैं और बाहरी व्यक्ति से किसी बात पर अनबन हो सकती है, तो सावधानी बरतें। आपकी मेहनत और परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। आपकी योग्यता और क्षमता पर परिवार के सदस्य गर्व महसूस करेंगे। जल्दी कामयाबी के चक्कर में किसी अनुचित कार्य में रुचि ना लें, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि गुरुदेव का गोचर आपके प्रथम भाव में है और वहां पे चंद्रमा का गोचर भी है। अपनी मर्यादा का भी ध्यान अवश्य रखें। आपका क्रोधपूर्ण व्यवहार भी आपकी योजनाओं को थोड़ा डगमगा सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें, इस बात का ध्यान रखें। आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे, सभी क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा, लाभदायी रहेगा। परिवार का वातावरण आनंद से भरा रहेगा। आज का उपाय आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आप कौए और पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, अनाज खिला सकते हैं और पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, यानी कि जैसे चने की दाल का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं या आज के दिन भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।